पांच गरीब बहू का घास का घर और फर्नीचर। माँ आज तो मीठी भात बना देना। क्या हुआ, कौन सी चीज पा गई? माँ रोजाना चप्पल घिसते घिसते आज हम पांचों भाइयों को आखिरकार शहर में काम मिल गया है। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। कहाँ काम मिला है? यही गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी वाले शहर में। माँ हमें एक बड़े आदमी ने अपने बॉडीगार्ड्स बनने की नौकरी दी है। देखा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, आखिर आज तुम्हें रोजगार भी मिल ही गया। हाँ माँ अब हमारे घर की तंगी खत्म हो जाएगी। हम भाई कल ही शहर जाने को निकल जाएंगे और उसके बाद हम कम से कम 1 महीना घर नहीं आएंगे। मेरे जिगर के टुकड़े मुझे छोड़कर चले जाएंगे। कोई बात नहीं माँ, घर से निकलने के बाद ही आदमी को कुछ मिलता है। घर बैठे रहने से तो बस बेरोजगारी ही हाथ लगती है। सही कहा। अच्छा अब वैसे काफी देर हो गई है, तुम पांचों खाना खाकर सो जाओ, कल सुबह सवेरे से निकल जाना। चंचल की बात सुनकर पांचों बेटे खाना खाकर सो गए। अगली सुबह होते ही वो अपने काम पर निकल गए। चंचल घर में ही काम में लग गई। देखते ही देखते ऐसे ही 1 महीना बीत गया और 1 महीने बाद चंचल के बेटे उससे मिलने आए। माँ मेरे लाल आ गए, तुम्हें छाती से लगाने को मेरी रूह तरस गई थी। आ जाओ मेरे बच्चों, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। चंचल के पांचों बेटे घर आ गए और खाना वगैरह खिलाकर चंचल उनसे बोली, बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी पिछले ही दिनों पंडित जी ने तुम पांचों के लिए लड़कियां दिखाई थी। पांचों ही बच्चियां बहुत सुंदर हुई सी लग रही थी। एक नजर तुम भी पांचों की तस्वीर को देख लो। अरे माँ ये आप सब हमें क्यों दिखा रही है, आपकी पसंद में ही हम राजी है, आप ही देख लो ना। नहीं बेटा, शादी में लड़का लड़की की मंजूरी बहुत जरूरी होती है, आखिर ये पूरी जिंदगी का जो सवाल है। लो एक नजर देखो और अगर अच्छी लगे तो बताना, मैं तुम्हारी शादी की बात पक्की करके मुहूर्त भी निकलवा दूंगी। चंचल ने अपने पांचों बच्चों को लड़कियों के फोटो दिखाए। पांचों ही बेटों को वो लड़कियां पसंद आ गई। तुम्हारे गालों की लाली बता रही है कि ये लड़कियां तुम्हें पहली नजर में ही पसंद आ गईं। चलो अच्छा है, अब पंडित जी को बोलकर तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करवा दूंगी। चंचल ने जैसा बोला था वैसा ही किया। उसने पंडित से बात करके अपने बेटों का रिश्ता उन लड़कियों से पक्का करवा दिया। 3 महीने बाद की शादी के दिन की तारीख रखी गई और 3 महीने बाद सभी रस्मों से चंचल के बेटों की शादी हो गई। शादी के बाद भी सारी रस्में अच्छे से हुई। और आज माँ हम पांचों भाई जा रहे हैं, गायत्री तुम भी अपना ख्याल रखना। अजी अब जाने के बाद आप कब आओगे? अब शादी की वजह से हमने बहुत छुट्टियां ले ली थी, तो अब कम से कम हम 2 महीने बाद आएंगे। क्या इतने दिनों बाद? त्रिशा तुम भी अपना और माँ का ख्याल रखना। अच्छा तो अब हम चलते हैं माँ। ठीक है, आराम से जाना। चंचल के पांचों बेटे काम पर चले गए। उनके काम पर लौटने के बाद 3-4 दिन तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन बाद में माँ 10 रुपए देना, जीरा खत्म हो गया है। 10 रुपए? अरे बेटा बिना जीरे के ही सब्जी बना दे, अभी मेरे पास बस 50 रुपए ही पड़े हैं, किसी और काम में आ जाएंगे। ठीक है माँ। मेरे बच्चे शादी में अपनी भी सारी जमा पूंजी को खत्म कर गए, अब तो हमें इन कौड़ियों में ही काम चलाना होगा। चंचल के घर में पैसे की किल्लत शुरू हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से जब ज्यादा तंगी शुरू हुई तब चंचल के बेटे घर लौट आए। चलो अच्छा है तुम पांचों आ गए, बेटा घर में बहुत परेशानी हो रही है। जानते हैं माँ, इसीलिए कुछ पैसे देने ही आए थे। माँ अब ये पैसे शायद काफी नहीं है, हमें एक जने को बस 2000 रुपए मिलते हैं, जो घर के खर्चों और किराए के आगे बहुत कम है। पता नहीं अब आगे का क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा, तुम वैसे अपने काम वालों से थोड़े पैसे बढ़ाने को बोलना। जी। सभी का घर में काम की वजह से दिमाग खराब था। 2 दिनों बाद चंचल के बेटे दोबारा काम पर चले गए और उनके लाए हुए पैसे भी कुछ दिनों बाद खत्म हो गए। पांचों बहुएं भी गर्भवती हो चुकी थी और अब चंचल का दिमाग खराब हो रहा था। बहुओं तुम पांचों गर्भवती हो, ऐसी हालत में मुझ गरीब सास को तो देखो, तुम्हें कुछ पौष्टिक खिला भी नहीं सकती हूं। माँ जी हम अपने घर के हालातों को बखूबी जानते हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो अपने होते हैं वो यही कहते हैं,
चलो अच्छा तुम घर में रहो, मैं पकाने के लिए कुछ सस्ती सी सब्जी लेकर आती हूँ। चंचल बाहर सब्जी लेने चली गई, लेकिन उसे कोई भी सस्ती सी सब्जी नहीं मिली। आलू को भी इतना महंगा कर रखा है। अम्मा इस मौसम में हरी सब्जी महंगी है, अगर लेनी है तो लो वरना यहाँ खड़ी होकर बातें ना बनाओ। भड़क मत। अच्छा ये पालक कैसे दिया है? अम्मा ये पालक नहीं, 3 तरह का मिक्स साग है, बकरी को डालने के लिए रखा था। ला तू मुझे यही दे दे, साफ सुथरे से पत्ते निकाल कर बना लूंगी। ठीक है अम्मा जी ले जाओ। चंचल साग ले आई, लेकिन वो काफी कम था। चलते चलते चंचल को सड़क किनारे आती हुई हरी हरी और ताजी घास दिखाई दी। तंगी की हालत में तो महाराणा प्रताप ने भी घास की रोटियां खाई थी, मैं भी ये थोड़ी सी घास भी घर को ले जाती हूँ, साग में मिलाकर बना लूंगी। चंचल ने वो घास भी ले ली और घर जाकर पत्तों और घास को मिलाकर साग सा बना दिया। बहुओं ये हरी सब्जी है, इसे खा लो, ये तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। शुक्रिया माँ। अरे इसके अंदर से न्यार जैसी खुशबू क्यों आ रही है? वो इसमें घास भी मिली हुई है, इसीलिए घबराओ नहीं, ये घास खाने लायक होती है। सास के बोलने पर पांचों बहुओं ने घास की तरी को खा लिया। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी कभी तो जब बिल्कुल पैसे नहीं होते थे और फ्री का साग भी नहीं मिलता था, तब चंचल अपनी बहुओं को घास की रोटियां भी बनाकर खिला देती थी। ये घास बिन पैसे की है, इससे हम अपने कितने भी कमा सीधे कर सकते हैं। सही कहा माँ। अरे माँ क्यों ना हम घास का ही कोई आइटम बनाकर बाजार में बेचने लगे, आजकल तो कुछ भी बिकता है, इससे हमारी थोड़ी आमदनी हो जाएगी। कह तो तुम लोग कुछ कुछ सही ही रही हो, ठीक है। चंचल की बहुओं ने अपनी सास के बोलने पर घास लाकर उससे पर्दे बना दिए। ये पर्दे तो अच्छे लग रहे हैं माँ जी, हम कल इन्हें बाजार में बेचने निकल जाएंगे। ठीक है। चंचल की बहुएं अगले दिन ही बाजार में घास के पर्दे बेचने निकल गईं। लोगों को तो वो पसंद आए, जिससे कि उनकी थोड़ी आमदनी हुई। ऐसे ही कुछ दिन चला और फिर उन्हें एक आइडिया आया। जिस तरह हम घास से पर्दे बनाते हैं, हम वैसे ही घास से फर्नीचर भी बना सकते हैं। क्या फर्नीचर? हाँ जरा सोचो। सभी ने सोच कर देखा। क्यों है ना? हम शुरुआत छोटे फर्नीचर से करेंगे, और अगर हमारा ये काम चल निकला तो हम अपने पतियों को भी इसी काम पर लगा लेंगे। पांचों बहुएं बहुत खुश हुईं। वो जंगल से लकड़ी लेकर आईं और उन्होंने घास से बच्चों के छोटे छोटे टेबल कुर्सी और भी वगैरह वगैरह सामान बना दिया। उन्होंने पहले अपने घर के लिए घास का फर्नीचर बनाया था। वाह बहू ये कितना सुंदर है, लग ही नहीं रहा कि ये मेरा घर है। चंचल अपनी बहुओं की कलाकारी देख बहुत खुश हुई। उसकी पांचों बहुएं बाजार में अपना बनाया फर्नीचर बेचने निकल गईं। लोगों को ये अजब सा फर्नीचर देखकर बहुत ही अच्छा लगा। अरे कितना सुंदर घास का फर्नीचर है, मुझे छोटा सा टेबल और कुर्सी का सेट देना। अभी लीजिए। सुबह से शाम तक उनका सारा फर्नीचर बिक गया। वहीं दूसरी तरफ शाम में जब वो घर आई तो उन्हें अपने पति बैठे हुए मिले, जो काफी गुस्से में थे। अरे आप कब? चुप रहो त्रिशा, और कहाँ थी तुम? बहुओं पर मत भड़कना, ये बेचारी घर चलाने के लिए बाहर से मेहनत करके आ रही हैं, जबकि ये पांचों ही गर्भवती हैं। तुम मेरे ऊपर तो बरस गए, लेकिन इनसे कुछ मत कहना। माँ बात क्या है? वहां अपने मालिक से मेरे बच्चों ने पैसे बढ़ने को कहा तो उसने इन्हें बेइज्जत कर दिया, और इसी नखरे में ये पांचों वहां से काम छोड़कर आ गए, अब यहाँ आकर गुस्सा कर रहे हैं। आप सभी गुस्सा मत कीजिए, भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। हमारे फर्नीचर ने मार्केट में धूम मचा दी है, हम तो आपको आपके काम से बुलाने ही वाले थे। आप हमारे साथ घास का फर्नीचर बनवाने लग जाइए, देखिए भगवान ने चाहा तो हमारे दिन बदल जाएंगे। पांचों बेटों को अपनी पत्नियों की बात समझ आ गई, और अगले ही दिन से वो भी घास का फर्नीचर बनाकर बेचने में अपनी पत्नियों की मदद करने लगे। उन्होंने घास से ही अपना घर और फर्नीचर भी बना दिया था। मार्केट में उनका फर्नीचर सभी को बहुत पसंद आ रहा था, जिसकी वजह से उनके काम में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की हुई। कुछ ही दिनों में उनकी फर्नीचर की दुकान खुल गई। अब पांचों बेटे ही इस काम को संभालते थे, और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।